मैंने कहा पता नहीं लोगों को समझ नहीं आता सेट, कभी कोई कहता है बहुत ब्राइट है तो चले ये हमें कह रही है आर्टिस्ट है, आप इंडस स्कूल से पढ़ा हुआ ना, इंडस वैली है ना, इंडस वैली से मैंने पढ़ा ग्राफिक डिजाइन था और इवेंचुअली ग्राफिक डिजाइन में थोड़ा बहुत ग्राफिक्स में काम किया इनिशियली, फिर वो फैशन से इतनी मोहब्बत है हमेशा से तो फिर इवेंचुअली वो फैशन में डिविएट हो गई एंड फैशन कपड़े और फिर उसके बाद फिर जो है वो वहां पे देन अभी आई रिसेंटली डिड, मैंने एक डिप्लोमा फैशन डिप्लोमा एक शॉर्ट कोर्स किया था AIFD से ड्रेपिंग के लिए पैटर्न मेकिंग के लिए, बिकॉज आई रियली बिलीव कि आप कोई काम कर रहे हो ना तो उसे सीखना टेक्निकल एस्पेक्ट्स आने बहुत जरूरी है, बिकॉज थोड़े अरसे तक आप पैशन को लेके काम कर सकते हैं बट इन द लॉन्ग रन आपको टेक्निकल स्किल्स आनी बहुत जरूरी है और वो आपको सीखना भी बहुत जरूरी है, आप किसी भी फील्ड में जाए कहीं पर। अच्छा मैं कहती हूँ कि हमारी मुल्क की खवातीन को स्पेशली मैं खवातीन इसलिए कहती हूँ कि आप लोगों को जरूर जो है ना कोई स्किल्स आप में जरूर होने चाहिए, आप चाहे कुकिंग के स्किल्स हासिल करें बाहर जाके पढ़ें, मतलब घर से बाहर निकल के थोड़ा सा पढ़ें, चाहे आप पेंटिंग कर आपको कुछ भी है तो आप पढ़ें, और आप चाहे लिखना चाहते हैं तो आप पढ़ें। अच्छा हमारे साथ कॉलर भी उनसे बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मैं जमीला हूँ। जमीला जी, जी जी मैंने पहचान लिया था, मैं सिर्फ आप पे मिसेज रोक पे जरूर कंफ्यूज हो जाती हूँ। अच्छा। हाँ और मैं और आपको ये तो कहना चाहूंगी कि आजकल जो आपने ये सिस्टम किया हुआ है उसी टाइम क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हमें मुझे कब से वो हो रहा है कि अभी कौन सा सवाल होगा ये है ना, पता है ये जरा सी चेंज चीज होगी क्योंकि एक ही सवाल होता था ना असल में। मुझे ना ये भी फीडबैक आप ही लोगों में से एक बहुत ही मेरी प्यारी सी दोस्त है जिन्होंने मुझे कॉल करा पर्सनली और हमें कहा कि हम बड़ा बोर हो जाते हैं एक सवाल से, तो प्लीज आप हमसे ना स्पॉन्टेनियस सवाल चाहिए, फिर थोड़ा हम तो हाउस वाइफ होते हैं इतनी नॉलेज नहीं होती हमें, तो नॉलेज हासिल करो ना जवाब देने के लिए, यही तो बात है जी। जमीला जी हम ये चाहते हैं ना आप नॉलेज हासिल करें। जी जी करते थे। अब देखिए अच्छा एक काम करेंगे, थोड़ा सा मैं अभी थोड़ी कंफ्यूजन भी हो जाती है एक तो इंसान थोड़ा भूल भी जाता है, कोई बात नहीं, हिम्मत आती है, देखो नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करोगे ना आप फौरन से आपको याद होगा, ओ ये फौरन से आपने जो है ना हाजिर दिमाग होना है, माइंड क्लिक नहीं होता उस वक्त, माइंड बार दफा हम वो हो जाते हैं। नाजिया हेल्प कर रही है ना, नाजिया आप इजी कीजिए, वो तो बहुत सपोर्ट। चलो आपसे इजी से सवाल कर लेते हैं जमीला से। ओहो जमीला जी क्यों कट गई कॉल, चलें दोबारा कॉल कर लीजिएगा, बहुत बहुत माजरत कि आपने खुद ही कॉल कर दिया, हाँ मैंने नहीं काटी, चलिए हम दोबारा कॉल कर लीजिएगा, हम यही चाहते हैं और बिल्कुल भी इस पर टेंशन वाली बात नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी सवाल में, लेकिन एटलीस्ट उस सवाल के जरिए बहुत से लोगों तक नॉलेज पहुंचती है, फिर वो यू नो अब नेक्स्ट टाइम के लिए एक चीज उनको पता होगी कि यू नो चार लोगों में बैठे हुए तो दिल विल नो कि अच्छा ये भी होता है, exactly, ये भी स्कूल्स हैं, ये भी मैगजीन है, तो इट्स तो लोगों को ज्यादा इस चीज का फेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो आपने बात की हमारे लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है, मतलब उनको हर चीज से पता भी नॉलेज लेनी चाहिए, बेसिकली दे आर कंफ्यूज, इट्स नॉट लाइक दिस कि अगर आप हाउसवाइफ है यार यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू आर हैंडलिंग द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, सो मतलब आप तो सब औरतों से ज्यादा एक्सपर्ट है और ब्रेव है, सो जस्ट नीड टू ऐड कॉन्फिडेंस इन यू कि आप कुछ भी कर सकते हैं, वही चीज के हर क्वेश्चन से हर चीज से अगर आप कोई बात करिए उससे एजुकेशन हासिल करें, नॉलेज लें, नॉलेज अवेयरनेस लें एंड देन यू विल बी सक्सेसफुल। और थोड़ा सा मैं यही कहती हूँ अपने हमारे खवातीन में कॉन्फिडेंस का होना ज्यादा जरूरी है कि अगर आप घबरा रहे हो, फोन नहीं कर पा रहे हो, पता नहीं करूँ नहीं करूँ, तो मुझे पता है वो कुछ मुझे नजर आ रही है खवातीन जो सोच रही है पता नहीं कॉल करूँ नहीं करूँ, तो बिल्कुल भी आप परेशान नहीं हो, घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ और हमारे चैनल के लोग आपके साथ हैं, आप कॉल करो, डरो नहीं और हिम्मत करके आप जो भी सवाल होता है अपना आप जरूर किया करो, आपसे जो सवाल करते हैं उससे भी नहीं डरना चाहिए क्योंकि आप हो सकता है नहीं जवाब सही होगा, कोई बात नहीं, डजंट रियली मैटर, हमारे साथ कॉलर भी आ जाएगी नेक्स्ट टाइम के लिए, नहीं पता तो आप एक चीज हमारे साथ कॉलर भी आ गए, बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मिसेस रऊफ बात कर रही हूँ। जी मिसेस रऊफ क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप बताओ आपसे सवाल करें। जी बिल्कुल सवाल करें, इजी वाला कीजिएगा। इजी वाला ये हुई ना बात कि आपका कॉन्फिडेंस, देखो आप लोग वो कॉलर्स हो मेरे जो बहुत कॉन्फिडेंस इसमें आ चुका है, तो इंशाल्लाह और भी हमारी ऐसी खवातीन होंगी जो एक दफा कॉल करेंगे, दूसरी दफा करेंगे, तीसरी दफा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चले विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से सवाल पूछ ले, जल्दी से जल्दी से लाइन में जल्दी से, हां जल्दी से बताएं कि पाकिस्तान में सबसे आखिरी फैशन वीक कौन सा हुआ था? तीन ऑप्शन, तीन ऑप्शंस है, कराची फैशन वीक, लाहौर फैशन वीक या इस्लामाबाद फैशन वीक।
अरे नहीं इतना आसान है. देखो अभी जो लास्ट फैशन वीक हुआ है ना, उसमें से कौन सा इन तीनों में से ऑप्शन आपको दे रहे हैं, कराची फैशन वीक हुआ था या लाहौर फैशन वीक हुआ था या इस्लामाबाद फैशन वीक हुआ था? कराची हुआ था. चले कराची कर ले. तुम कराची से बात कर रही हो? हाँ हाँ मैं कराची से बात कर रही हूँ. कराची फैशन वीक नहीं हुआ था, इस्लामाबाद फैशन वीक हुआ था. इसका मतलब तुम मेरे शोज गौर से नहीं देखती हो. जब लास्ट टाइम मुनाफ आए थे ना, हमने तीन अपने शोज में तकरीबन वो बात जरूर की है इस्लामाबाद फैशन वीक की, और अभी भी इन्होंने यही बात की थी. मैंने तो ये कहा था कि ये क्वेश्चन मेरे से पूछ ले, बिकॉज़ मैं वहां पर थी. इन्होंने भी उसमें जो है मॉडलिंग की थी इस शो में. थोड़ा इंतजार कर लेती नाजिया, हेल्प कर रही थी. देखो एक और पूछ ले. अच्छा चलो तुम्हारी खातिर पूछ लेते, वैसे लेकिन इसमें नाम नहीं मिलेगा. नहीं नहीं तो पूछ लेते, वैसे जान लेते ना कोई है. हाँ, तीन कोई भी फैशन डिजाइनर जिस पाकिस्तान या कराची में जिनके अपने आउटलेट्स हैं. हाँ, जिनके आउटलेट है. सफीना ठीक है. सना सामिया. हाँ. सना एंड सफीना. तहमीना खालिद. सबिया. वे तुम किस किस के नाम से. हमीना खालिद इज द कंप्लीट, शी इज द मैनेजर ऑफ फैशन, जो मैनेज करती हैं, वो कोरियोग्राफी करती हैं. उनका आउटलेट नहीं है, वो डिजाइनर नहीं है. हां नहीं, तहमीना खालिद. तहमीना खालिद डिजाइनर नहीं है. नहीं अच्छा, वो डिजाइनर्स को प्रमोट करती है, डिजाइनर्स के फैशन शूट करती है. साकिब सबिया, दे आर द मेकअप आर्टिस्ट. आए हाय, नॉलेज हासिल कर ले लड़की. चलो मैं बता देती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. थैंक यू. हम आपको चले बता देते हैं वो आउटलेट्स. अगर आप नोट करें तो देखें, अमीर अद्दान का आउटलेट है. अगर आप नोट करें, आप भी एक आध सोनिया बाटला है. सोनिया बाटला का दीपक परवानी है. दीपक परवानी HSY डिजाइनर्स है. पूरा आउटलेट है. एक लेबल्स पूरा आउटलेट है. और कुकी कॉन्सेप्ट है. एग्जैक्टली. निकी एंड मीना है. बहुत सारे और हैं. हाँ एग्जैक्टली. आप मतलब अब तो हमारे इतने डिजाइनर्स और माशाल्लाह इतने एजुकेटेड हैं कि वी फील प्राउड. जे जे जमशेद. हाँ जुनेद जमशेद. खाड़ी है. खाड़ी खास है. बहुत अनबीटेबल. अनकाउंटेबल आउटलेट्स हैं. तो आप जो है अब एक और काम मैं दिखा पाती हूँ. कहती हूँ अब आपने क्या करना है कि आप जब शॉपिंग के लिए जाएंगे ना, तो आप जितने भी मॉल्स है ना, वहां पर जब आप घूमने फिरने जाते हैं, वहां पे खाना पीना खाने जाते हैं, खाना पीना नहीं खाली खाना, वहां पर इधर उधर देखना है कि कौन कौन से आउटलेट्स हैं और याद करने हैं, एक कॉपी में लिखने हैं. हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपसे फिर ये सारे सवाल करूं. इस दफा ये आपका जो है ना, ये आज का थोड़ा ग्रूमिंग डे था, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे सवाल बताए. देखिए मैगजीन के नाम आपने याद करने हैं, आपने स्कूल्स के नाम याद करने हैं, आपने जो है आउटलेट्स के नाम याद करने हैं, डिजाइनर्स मॉडल इन सब के आपने. हाँ फैशन वीक. ये सारे सवाल आपने याद करने. हम अगले हफ्ते आपसे दोबारा यही सवाल करेंगे. ठीक है ना. आसानी हो गई ना. देख लेंगे एटलीस्ट. हाँ नहीं मुझे एटलीस्ट अब इनके ऊपर मैंने काम छोड़ा है, खवातीन के ऊपर, कि वो जाएंगी बाजार में, वो बुक स्टॉल जाएंगी, मैगजीन्स के नाम लिखेंगी, कौन कौन सा याद रखेंगी और आउटलेट्स को भी देखेंगी कौन कौन से आउटलेट्स हैं. अच्छा मुझ में खुद भी ये इंटरेस्ट था शुरू से ना, कि मैं कहीं जाती थी ना, पहले मैं बड़ा ब्लैंक जाती थी. मैं मतलब यहाँ वहाँ नहीं देखती थी कि कौन सा आउटलेट कौन सा नहीं. लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, दैट्स बैड. एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ की तरह. पहले मुझे ये भी नहीं पता होता था कि कौन सा नया रेस्टोरेंट खुला है ना. तो मुझे कहते थे यहाँ पर, अच्छा मुझे इतना बाद में होता था कि अच्छा जब बोलो तो कहते थे ना कि भाई इसको तो पता ही नहीं है कुछ भी. और जरूरी नहीं है कि आप जाएं तो आपको पता चलेगा. यू कैन रीड, आप पढ़े, आप चक्कर लगाते जाएं. विंडो शॉपिंग इज द बेस्ट शॉपिंग. देख लेते हैं कितना कुछ मिल जाता है आपको देखने के लिए, तो बस एक आइडिया हो जाता है उसका इंटीरियर कैसा है. इवन यू कैन डिस्कस. आप वैसे भी एंजॉय करते हैं. आपके जो ना एक होता है विंडो शॉपिंग. सराउंडिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या है नया क्या नहीं है, क्या बंद हो गया. ये भी लोगों को एटलीस्ट थोड़ा पता है, ये खुला था बंद हो गया. ये यू नो थोड़ी अपनी एनवायरनमेंट के बारे में नुहा होनी चाहिए. सब चीजें जो है ना वो पता होनी चाहिए, ताकि हम जो अच्छे से अच्छी चीजों के बारे में जान सके. और जो हमारे जो खवातीन जो शहर में नहीं रहते, जो आउट ऑफ शहर होते हैं, आप कई खवातीन के पास इंटरनेट होगा, तो प्लीज आप इंटरनेट के जरिए भी आप देख सकते हो. और उसके अलावा ये कि आप इर्द गिर्द अपने देखो कि आपके करीब कौन सा शहर है जहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं. आप वहाँ पर जाकर आप नोट डाउन करो, तो आपको ज़रूर जो है इल्म होता चला जाएगा. और कुछ नहीं तो अखबारात और मैगजीन ज़रूर खोल करके आप लोग चेक किया करें, आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा. हमारे साथ कॉलर उनसे बात करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. जी हमारे साथ कौन है? मैं इशत बात कर रही हूँ लाहौर से. जी क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? सुनाए ठीक हैं? बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. कुछ नॉलेज हासिल हो रही है? हाँ जी बहुत कुछ. वर्क चैनल जो ना माशाल्लाह इतना अच्छा है कि हर लिहाज से ना कुछ बिल्कुल ये बात करते हैं.
डेफिनेटली हवाले से, वैसे फैशन के हवाले से, न्यूज के हवाले से, बड़ा अच्छा प्रोग्राम, हर चीज के हवाले से जानना जरूरी है ना। तो आप ये बताएं कि आप वैसे मैगजीन्स और ये सब चीजें आप पढ़ते रहते हो, देखते रहते हो? बस चैनल ज्यादा देख लेते हैं, कुछ मैगजीन वगैरह आते हैं ना वो ही देख लेते। चलो कुछ तो है ना, मतलब कुछ नॉलेज तो होती है ना। चलिए किरण, आपसे कोई सवाल करें? हाँ जी करें। सवाल जी जी है नहीं, कोई सवाल बना लो फिर, थिंक ऑफ कोई सवाल। तो चलो वो ये पूछ लो कि ए से कितने डिजाइनर्स आएंगे? ए से ए एम और आसान कर दो, और आसान कर दो। हाँ। तीन अल्फाबेट दे दो चलो। हाँ। अभी तो हमने बताए ए एम और एस से, चलो डिजाइनर्स। हाँ। के ए एम और एस से आपको डिजाइनर्स, और अभी हमने इतने डिजाइनर्स के नाम। मारिया बी, ठीक है ग्रेट। एस से है सना सफीना, ठीक है सना सफीना। और ए से अभी नाम लिया था मैंने, ए से जेंट्स का भी नाम ले सकते हो। अच्छा ए रहमान भी है? नहीं 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 नहीं। अच्छा अभी नाम लिया था मैंने दो दफा नाम लिया। अच्छा मैं हमारा केबल बहुत क्लियर नहीं आ रहा। हाँ क्यों? हाँ। अगली केबल के बारे में केबल पे नाम लगा दिया। आप बहाना मार रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं। हाँ तुक्का ए से नहीं आ रहा। हाँ नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अमार बिलाल है, अमीर अदनान है। हाँ सही बात है। आसिया है, आसफा नबील है, आसिया साहिल। हाँ देखो कितने सारे। चलो तुमने दो दे दिए, इनको शामिल कर ले भाई, नाम दे दिए। हम ज्यादा वो नहीं करेंगे। चले सही है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और अब हम जो है ना कुरानदाजी भी कर लेते हैं, जो हमारा कल का सवाल था, मतलब परसों का सवाल था उसके ऊपर। तो एक जो है आपने, बल्कि दो मेरे ख्याल में दो जो है आपने निकालने हैं गिफ्ट, ये एक ही है। एक तो नाम था ना ऑलरेडी, दिस इज अबीरा फ्रॉम कराची, अबीरा फ्रॉम कराची। और दूसरा जो है आई थिंक उज्मा को मिला था, उज्मा फ्रॉम कराची। और दूसरी है अबीरा फ्रॉम कराची। उज्मा को इसलिए कि उज्मा ने बहुत अच्छा जो है अपना पूरा, उन्होंने उज्मा ही थी ना, मुझे अब नाम नहीं पता चल रहा। हाँ उज्मा ही थी, उज्मा जिन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया था। और दूसरा अबीरा जिन्होंने जो है उनका इसमें नाम मिला। ठीक है चलिए सही है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किरण, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने जो है हमें आज स्पेशली आए हमारे शो में, और आपने बहुत सी अपनी ऐसी चीजें बताई कि आप किस तरह से पाकिस्तान से बाहर जाकर भी काम कर सकते हैं। अस्मा थैंक यू सो वेरी मच। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही, बात से मुलाकात होगी कल, और अपना आपने बहुत सा ख्याल रखना है। नाज़िया मलिक।